ये है गोपाल फाड़। महाराज आप क्यों आज उदास लग रहे हैं? कोई तकलीफ है क्या महाराज आपको? दुश्मनों का डर है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो काशी से समाचार आया है। क्या समाचार? अगले दिन मेरे गुरुदेव आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस बात को लेकर क्यों परेशान है? परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? कल गुरुदेव आ रहे हैं और वो शाकाहारी है, मांसाहारी का सेवन नहीं करते हैं। उनके लिए साग सब्जियां बाजार से खरीद के मंगवाना होगा, वरना तुम लोग समझ रहे हो क्या होगा? तब तो हमारे महारानी को बहुत परेशानी होगी। उससे बड़ा परेशानी कि ये बात है, गुरुदेव के सामने हमें शर्मिंदा होना होगा। हाँ ठीक बोल रहे हो, आप परेशान मत होइए महाराज। गुरुदेव के भोजन के लिए सारा सामान मैं बाजार से खरीद के लाऊंगा। आप रघु को मेरे साथ भेज दीजिएगा, सब मैं ला दूंगा। ये सब तुम महारानी से जाके पूछ लो। और हाँ, तुम्हें खरीदारी करने के लिए जो भी पैसों की जरूरत पड़ेगा तुम दीवान जी से ले लेना, मैं कह दूंगा। जी महाराज। महारानी इतने सारा सामान खरीदने के लिए ही है कि पूरा टोकरी भर जाएगा। रघु तुम इतना सामान ले जा पाओगे? हाँ आप साथ में रहेंगे तो ले जा पाऊंगा। चलो जल्दी जल्दी चलो बाजार चलते हैं, जल्दी चलो। महाराज काशी से गुरुदेव आ गए हैं। आ गए हैं, चलो 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 आइए आइए गुरुदेव आइए। आपके आने से मेरा महल पवित्र हो गया, आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? आइए। नहीं नहीं मैं एक सन्यासी हूँ, राजमहल में नहीं रहूंगा मैं। ठीक है गुरुदेव, तो फिर आप बगीचे में चलिए, वहाँ पे एक कुटिया है। अच्छा ठीक है बेटी, वहीं चलो चलो चलो। सारी खरीदारी हो गई है, चलो रघु अब चलते हैं। हाँ चलिए चलिए। तुम्हारा ये कुटिया बहुत सुंदर है, साफ सुंदर और ठंडा है, बहुत अच्छा है। जी गुरुदेव, आप यहाँ पे धर्म कथा सुनाएंगे, हमें इसीलिए कुटिया बनवाई थी। अच्छा इसीलिए। अच्छा बेटी बहुत देर हो गई है, अब मैं नहा कर पूजा करूँगा बेटी। नहीं नहीं गुरुदेव, आप इतने दूर से आए हैं, पहले कुछ खा लीजिए फिर स्नान कीजिएगा। बोलिए रानी माँ, गुरुदेव और उनके शिष्य के लिए कुछ फल ला कर दे दो। जैसे आज्ञा रानी माँ। प्रणाम रानी माँ, फल लेकर आई हूँ, यहाँ पे रख दो। हाँ ये क्या दासी, तुम पत्ते में क्यों लेकर आई हो? सोने की थाली नहीं है क्या? है महारानी, लेकिन हमारे विदूषक जी बोले हैं पत्ते में लाने के लिए। हमारा गोपाल बोला है, लेकिन क्यों? प्रणाम महारानी, प्रणाम महाराज, हम लोग गुरुदेव से मिलने आए हैं, आ सकते हैं? हाँ हाँ आओ अंदर आओ। गोपाल तुम ऐसा क्यों किए हो? क्यों रानी माँ? तुम दासी को सोने के थाली में फल लाने से क्यों मना किए हो? महारानी मैं महल आके सुना था कि गुरुदेव महल में ना रह कर कुटिया में आकर रहे रहे हैं, और गुरुदेव सन्यास धर्म अपनाए है, इसलिए वो सोने के थाली में खा नहीं सकते। इसलिए मैं दासी से कहा था पत्ते में फल ले जाए। मैं सही कह रहा हूँ ना गुरुदेव? हाँ तुम ठीक कह रहे हो।
मैं एक सन्यासी हूँ। मेरी नजर में सोने का थाली और पत्ता एक समान है। मैं पत्ते में नहीं खा सकता, लेकिन मेरा शिष्य तो खा सकता है। उसे क्यों नहीं दिए? वो आपका शिष्य है गुरुदेव। भविष्य में आगे चलकर उन्हें भी आप जैसा आगे चलकर सन्यासी बनना होगा, इसीलिए उनको भी पत्ते में दिया था, ताकि अभी से उन्हें पत्ते में खाने का आदत हो जाए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम जानते हो, ये एक धनी परिवार का लड़का है। यह सिर्फ नाम का मेरा शिष्य है, यह कभी सन्यासी नहीं बनेगा। हाँ हाँ गुरुदेव, मैं समझ गया। अब परेशान मत होइए, मैं अभी जाकर इनके लिए सोने के थाली में खाने का बंदोबस्त करता हूँ। कृष्णचंद्र, यह आदमी तुम्हारे सभा में काम करता है? जी हाँ गुरुदेव, ये मेरे राज्य सभा का विदूषक है, नाम गोपाल है। ये बहुत ही ज्ञानी है। जी हाँ गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। उसके वजह से मैं बहुत मुसीबत से बचा हूँ। लो, हो गया। गोपाल इस गुरुदेव को भी खुश कर दिया, अब दिन भर उसी का प्रशंसा होगा, समझे? हमें भी मुंह बंद करके सुनना पड़ेगा। हाँ मंत्री, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? हम लोग मंत्र जप रहे हैं। ओम ह्रीं क्लीं गणपतये गुरुदेवे नमः। ओम ह्रीं क्लीं गुरुदेवे नमः। ये लीजिए गुरुदेव। ये लीजिए। ये क्या? मैं तो सिर्फ अपने शिष्य के लिए बोला था, सोने के थाली में देने के लिए, मुझे नहीं। आपके शिष्य को सोने के थाली में और आपको पत्ते में, ये तो गलत है ना गुरुदेव? किसी को दो नजर से नहीं देखना चाहिए। सुनो तुम लोग, मैं आज शाम को तुम लोगों को धर्म कथा सुनाऊंगा, तुम सब जरूर आना। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। तो फिर अभी हम चलते हैं, जा रहे हैं। इस पृथ्वी का सब कुछ भगवान ही सृष्टि किए हैं। पेड़ पौधा पहाड़ नदी सागर जीव जंतु जानवर इंसान, सभी का कर्मदाता भगवान है। हम सेवक है सभी का। जी नहीं गुरुदेव, सिर्फ आप ही नहीं, इस दुनिया की हर इंसान एक दूसरे का सेवक है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी हाँ गुरुदेव, सबूत है मेरे पास। एक मछली ने एक बार मेरा जान बचाया था। एक मछली तुम्हारा जान बचाया था? कैसे, बताओ। कुछ ही दिन पहले मैं राज्यसभा से घर जा रहा था, बाजार से एक मछली खरीदा। मछली जिंदा था या मरा हुआ? तुम चुप हो जाओ, उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। उसके बाद घर पहुंचकर देखा, मेरी पत्नी सब्जियां काट रही थी, खाना बनने में देर था और मुझे भूख लगा था। अच्छा, अब मैं समझा। वो मछली उस वक्त तुम्हारे सामने बर्फी मिठाई लड्डू तुम्हारे सामने पेश किया? जी नहीं। नहीं? हाँ नहीं, वो मछली अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। मतलब ये है कि जब मैं खाना बनने में देखा देर है, तब मैं उस मछली को कट कर धोकर तल कर खा लिया। पापी कहीं का, कब से मैं तेरा बात बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरा जी कर रहा है कि तुझे मार दूँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसा नहीं कहते हैं। वो एक साधारण इंसान है, तुम एक ज्ञानी बड़े घर का लड़का हो, ऐसा नहीं कहते। सच में गोपाल,
तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, जिसे नहीं बोलना चाहिए उसे भी बोलते हो, तुम्हारा गलती है। सच में गोपाल, तुम चुपचाप बैठो तो खुद भी सुनो, हमें भी सुनने दो। गुरुदेव अब शुरू कीजिए। हाँ गुरुदेव, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या मैं बोल रहा था? वो सेवक। हाँ हाँ हाँ, सेवक। और गोपाल भी ठीक कह रहा था, इस दुनिया में हम सब एक दूसरे का सेवक है। ऊपर वाले ने सब कुछ हम लोगों के लिए सृष्टि किए हैं, इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी ऊपर वाले के लिए कुछ करें। जैसे बकरे का बलि देते हैं? नहीं नहीं, उससे कुछ बड़ा, और वो है दान। दान देने का भी कोई धर्म है। अधिकतम और न्यूनतम श्रेष्ठ दान क्या है? अर्थ दान, अन्न दान और वस्त्र दान। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। गुरुदेव, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा दान के बारे में सुन लिया हूँ, लेकिन ये मेरा अर्थ, इतना सारा अर्थ मैं कहाँ रखूँ? कहीं ये भी दान में ना चला जाए। गुरुदेव, तुझ अर्थ के लिए तुम्हें इतना चिंता है? दो, उसे मैं अपने छोले में रख लेता हूँ। इस रच्चे में कोई चोर नहीं है। गुरुदेव, अब जो दान के बारे में बोले हैं, उस दान के अलावा और भी बहुत दान है। इतर दान, दूध दान अधिकतम है या न्यूनतम है? बेशरम, तुझे मैं रुक। गुरुदेव, ये देखिए मेरा क्या हल कर दिया, आपका शिष्य आपके सामने मार दिया। गोपाल, स्वर मत मचाओ, जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ यहाँ से जाओ। सच में गोपाल, गुरुदेव की बातों के बीच में तुम रह रहे के रुकावट कर रहे थे, इसीलिए मार खाए। हाँ, सही कह रहे हो मंत्री। गोपाल, तुम अभी रसोई में जाकर गुरुदेव का खाने का बंदोबस्त करो। ठीक है महाराज। महाराज, आप सही विचार नहीं किए हैं। ठीक है, सही समय आने दो, आपका और उस शिष्य का विचार करके रहूंगा। अमरपति, तुम्हें मैं पहले ही समझाया था ना कि इतना गुस्सा मत किया करो, गुस्सा शैतान का घर है। ये तो हमारे गोपाल साहब हैं, लेकिन सर पे मुकुट बनकर क्यों आए हैं और किस राज्य के मुकुट पहने हैं? ये मुकुट कौन दिया है? वही गुरुदेव का शिष्य मेरे सर पे जूते से मारा है। महाराज क्या बोले हैं? कुछ नहीं, बदले में मुझे रसोई में भेज दिए हैं, बाकी और सब। अच्छा अच्छा, वो सब बातें छोड़ो, हलवा जी हलवा बनाया है, ये लीजिए खाकर देखिए कैसा है। बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा और दीजिए ना। हाँ, पेट भर के खा लिया मैं, अब मेरे सोने का बंदोबस्त कर दो। सुबह सुबह उठना है मुझे, पूजा पाठ करना है मुझे। थोड़ा टहल के आते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। हाँ चलिए चलिए। क्या समाचार लाए हो? महाराज, किसने चंद्र की कुटिया में जो गुरुदेव रह रहे हैं, सुना हो कि उनके पास बहुत सारे अर्थ है। अच्छा समाचार लाए हो, लेकिन ये समाचार लाने से पहले ये नहीं सोचे हो तुम कि वहाँ महाराज के पहरी होंगे? अगर हम चोरी करते समय पकड़ा गए तो क्या सजा मिलेगा पता है तुम्हें? हाँ बोलो। वो लोग राजमहल में नहीं है। तो कहाँ है? वो लोग बगीचे के कुटिया में रह रहे हैं। वो लोग सन्यासी है ना, इसीलिए राजमहल में नहीं रह सकते। लेकिन वहाँ हमें कौन ले जाएगा? हाँ? ये आदमी ले जाएगा, वो कुटिया यही बनाया है, वहाँ का रास्ता ये अच्छी तरह से पहचानता है।
तो देर किस बात की, अभी चलो। इसका खुशबू बहुत अच्छा है। जी हाँ गुरुदेव, बहुत अच्छा है। महाराज, गुरुदेव का प्रसाद तो हमें मिल गया, तो फिर हम चलते हैं महाराज। हाँ हाँ जाओ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महाराज। प्रणाम रानी मां। जाओ तुम दोनों भी प्रसाद खा लो। जी हाँ गुरुदेव। आज भजन बहुत ही अच्छा हुआ है। हाँ, सभी महाराज और गुरुदेव की कृपा है। आज प्रसाद पेट भर के खाए हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा था हमारा गोपाल का मार खाना। हाँ सच बोल रहे हो तुम। एक तो बेचारा मार खाया, दूसरा महाराज के पास अच्छा बनने के लिए बेचारा फंस गया गुरुदेव की सेवा में। हम एक महाराज और गुरुदेव की नजरों में खराब भी नहीं हुए, और बदले में अच्छा अच्छा फल मिला, खा के हम लोग घर जा रहे हैं। हाँ फंस गया गोपाल, तुम ठीक बोल रहे हो। वो देखो महाराज के दोनों मंत्री हैं, होबू चंद्रा और गबू चंद्रा। चलो इन दोनों को ही पकड़ते हैं। अबू चंद्रा, ये लोग कौन है? कौन है? लगता है भूत है। चुप। हम लोग भूत नहीं है। तो हम लोग डाकू है। डाकू बचाओ। छोड़ दो। चुपचाप हमें महाराज के पास ले चल। हाँ अगर चिल्लाए तो तेरा हाल क्या करूँगा पता है तुझे? तेरा गला कट दूंगा मैं, समझे? नहीं नहीं मत मरना, ले चल रहे हैं हम। चलो चलो चलो। किस मुसीबत में पड़ गया मैं? ये सन्यासी गुरुदेव भी ना सोचा था कि खा पी कर थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन उन्हें शरबत पीना है। क्या करूं मैं? बचाओ। चुप पर न मार दूंगा। कहीं से चिल्लाने की आवाज आ रही है, लग रहा है गुरुदेव का कुटिया से आ रहा है। देखता हूँ। सच सच बताओ अर्थ कहाँ है? तुम लोग क्या चाहते हो? लोग चोरी करने आए हैं। ये दरवाजे के बाहर से चुप चुप कर देख रहा था। हम तुम उसे पकड़ के ले आए हो, अच्छा किया हो, पर ये गोपाल अपना दिमाग लगा कर फंसा देता। अयो ये तो डाकू है, इन लोगों से बदला लेने का अच्छा मौका है। महाराज क्या हुआ है? ये लोग कौन है? ये लोग डाकू है। ये लोग गुरुदेव का शिष्य का अर्थ मांग रहे हैं। गुरुदेव के मर्जी से हम कुटिया के आसपास सिना नहीं रखे थे, अब इनका क्या किया जाए गोपाल? इनका कुछ नहीं करना होगा महाराज। गुरुदेव के झोले में जो अर्थ है वो दे दीजिए। वो सन्यासी फटाफट झोले से अर्थ दे दे, वरना तेरा बलि चढ़ा देंगे हम लोग। दे हमें अर्थ। नहीं नहीं, ये लो, ले लो बेटा, ले लो। चलो अर्थ मिल गया। हाँ, चलो चलो सब चलो। गोपाल ये तुम ठीक नहीं किए हो, तुम्हारे वजह से हमारे मेहमान का सारा अर्थ चला गया, इसके वजह से हमारा कितना बेइज्जती हुआ। महाराज जब आपका मेहमान आपका बेइज्जती कर दिए है, तब आप उनका रक्षा क्यों करेंगे? महाराज जो हुआ सही हुआ, मतलब ये इससे पहले ही मुझे मारकर मेरा बेइज्जती किए है। महाराज आप मेरे महाराज हैं और मैं आपका प्रजा हूँ। प्रजा का बेइज्जती का मतलब एक राजा का बेइज्जती है महाराज।
इसलिए आपका बेइज्जती मैंने ही किया हूँ महाराज। बेइज्जती पहले इसी से ही किए है महाराज। गोपाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, सच में तुम गोपाल बहुत ज्ञानी हो। सभी आप लोगों का आशीर्वाद है। आता होता आधा बोरा। सैतान लड़के, छुप छुप कर खाना चोरी करता है तू। नहीं फूफा जी, मैं खाना खाकर अपने भूखे पेट का मदद कर रहा हूँ। मदद कर रहा है? अभी अभी तेरा मदद कर रहा हूँ, डंडे से तेरे पीठ पे मार मर के। ओए ओए बुंदा, तू यहाँ क्या कर रहा है? पत्थर मरने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ पत्थर मारकर उस आम को तोड़ूंगा हूँ। ये तेरे बस का नहीं है। देख, एक पत्थर मारकर मैं इस आम को तोड़कर तेरे सामने छिलकर खाऊंगा। मैं तेरा मदद कर देता हूँ आम तोड़ने में। ए, तूने क्या किया हमदा? मेरा मटका तूने तोड़ दिया। चल मैं तेरे फूफा से शिकायत करूंगा, तेरा फूफा तुझे मारेंगे। मैं यहाँ से भागता हूँ बुंदा, वरना मुझे पकड़ के फूफा जी के पास। भागो। अब तू मेरे हाथों से छुटकर कैसे बचेगा? डकैती करता है तू, फिर से कहीं चोरी करेगा तू? ये क्या, इस बेचारे को ऐसे क्यों मर रहे हैं? उसका मदद करना होगा मुझे। कैसे कैसे करूं? ओ रहा, वहाँ पे एक ईंट गिरा हुआ है। ये क्या हुआ? सर पे ईंट गिर पड़ा, और क्या हुआ? उस आदमी को अकेला देखकर मर रहे हो? सैतान लड़का, कहीं का इतना मुश्किल से मैं उस डाकू को मैं पकड़ा था, और तूने उसे डाकू? हाँ, वो एक नामी डाकू है, उसे मैं बहुत ही मुश्किल से पकड़ा था, लेकिन तेरे वजह से वो भाग गया। अब मैं तुझे पकड़ के ले जाऊंगा। भागो भागो। आज पता नहीं क्या हुआ है, जिसका मैं मदद करने जा रहा हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है। क्या करूँ मैं अब, क्या करूँ? क्या रे हंदा, दौड़ दौड़ के तेरा पेट भर गया है क्या? देख बुंदा, मुझे परेशान मत कर, किसी का ना किसी का मदद करके मैं घर जाऊंगा आज, वरना घर नहीं जाऊंगा मैं। इसका मतलब तुझे आज बाहर ही रहना होगा। आइडिया आइडिया। देख बुंदा, मैं उस आदमी का मदद करूंगा आज, अब मैं उसके पास जाता हूँ। सुनिए भैया, सुन रहे हैं? मैं आपका मदद कर दूँ? दीजिए, मैं मिट्टी खोद देता हूँ। अच्छा बेटा तू है, चल चल सीधे थाने, चल चल मेरे साथ। मैं यहाँ खड़ा था उस डाकू को पकड़ने के लिए, वो डाकू तो नहीं मिला, लेकिन तू मिल गया मुझे, चल चल मेरे साथ। अच्छा हुआ। घना एक जंगल, और घने इस जंगल में हर तरह के जीव जंतु रहते हैं, और इस जंगल के राजा हैं एक बड़े शेर।
और उनके शागिर्द हैं एक सियार। गुड मॉर्निंग पशुराज। गुड मॉर्निंग। अभी क्या आप राज्य दर्शन के लिए निकलेंगे? भाई निकलना तो पड़ेगा ही, वरना सब कुछ नियम अनुसार कैसे चल पाएगा। सियार और शेर धीरे धीरे जंगल में राज्य दर्शन के लिए जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों देखते हैं कि एक गधा पेड़ के छांव के नीचे सर झुकाकर खड़ा है। ओए सियार, ये गधा ऐसे सर झुका के क्यों खड़ा है? जरा देखना पड़ेगा भाई। जी हुजूर, अभी आता। अरे सुनो, ऐसे मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो? पशु राज आए हैं, जल्दी जाओ। अरे बाप रे, राजा के पास जाना पड़ेगा मुझे। सियार भैया, कोई डरने की बात तो नहीं है ना? पशुराज के यातायात के मार्ग में मुंह लटका कर क्यों खड़े थे? अरे राम, राजा गुस्सा हो गए हैं क्या? ये तो नहीं पता, पर हाँ कौतूहल तो हुई है उन्हें। सियार और गधा दोनों राजा के पास पहुँचते हैं। हाँ भाई, ये मुंह लटका के क्यों खड़े हो? नहीं मतलब सोच रहा था। क्या इतना सोच रहे थे तुम? ना मतलब सोच रहा था कि सुबह उठने से ही सोचना पड़ता है कि खाने का जुगाड़ कैसे किया जाएगा। ये सोचने में ही दिन कट जाता है। रोज सुबह का यही अफसाना है, रोज रोज का मामला है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चौंका दिया। बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। किसको खाने का जुगाड़ नहीं करना पड़ता? युगों युगों से यही तो होता आया है। नहीं हुजूर, बड़ी इच्छा है मेरी कि एक दिन खुद का खाना खुद नहीं जुगाड़ करूंगा, पर हाँ पेट भर कर खाऊंगा जरूर। ये शौक तो बुरा नहीं है, आलसियों के बादशाह कहीं के। आहा, भाई बड़ा मजा आ गया। आज मैं तुम दोनों को शिकार पर लेके चलूंगा, ठीक है? जो मैं शिकार करूंगा उसके 3 हिस्से होंगे, समझ गए? हाँ? ये कहकर शेर, सियार और गधा एक साथ जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद, ओ सियार भैया, कोई शिकार ही नहीं दिख रहा है, क्या करूँ? हाँ वही तो देख रहा हूँ। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी देख कर आया। ये बोलकर शेर ने जंगल के अंदर प्रवेश किया और कुछ देर बाद निकल कर आए मुंह में एक शिकार दबाकर। और ये देखकर गधा और सियार खूब खुश हो गए। अरे भाई लाश की तरह वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आओ। असाधारण असाधारण। गधा हिस्सा कर दो। अच्छा हुजूर। आपकी हिम्मत और चालाकी के बिना ऐसा शिकार करना संभव ही नहीं है। हो गया क्या है? हाँ हो गया हुजूर। गधा बड़े जतन से मीट के 3 हिस्से कर देता है, शेर, सियार और अपने लिए बिल्कुल समान भाग। उसके बाद, ये क्या मीट के बराबर हिस्से? जी हुजूर, आपने जैसा निर्देश दिया था। ये क्या मतलब तुम और मैं एक जैसे? हाँ? अचानक चिढ़कर गुस्सा होकर गधे को मार दिया शेर। उसके बाद, अरे भाई सियार चलो तुम हिस्सा करो। जो आ गया हुजूर। करो। हाँ हुजूर, हो गया। तुम्हारा हिस्सा कहाँ है? तुमने तो पूरा मुझे दे दिया। पशुराज, राजा बादशाह के साथ हिस्सा पाने का अधिकार मुझ जैसे साधारण प्राणी का कभी हो ही नहीं सकता है। हुजूर दया करके आप अपना खाना शुरू करें। वाह, तुम में तो दिमाग है पंडित।
महाराज विक्रमादित्य। सुना है आप बहुत विद्वान, परम ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्ति है, फिर भी आप बेवकूफ जैसा हमको कंधा पर लेकर चले जा रहे हैं। तो सुनिए, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनते सुनते आपका इस रास्ते का कष्ट दूर हो जाएगा। और कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप अगर प्रश्न का सटीक उत्तर समझ कर भी चुप रहे तो आपका सर खंडित होकर बिखर जाएगा, समझे महाराज? और अगर सटीक जवाब मिल गया तो मैं पुनः अपने वृक्ष पर वापस चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं, सुनिए महाराज। बहुत दिन पहले चंपा नदी के तीर पर विजयनगर नाम का एक राज्य था। महाराजा शक्ति सिंह उस राज्य के राजा थे। उनके चार पुत्र थे। प्रथम पुत्र उसका नाम प्रताप सिंह, जय सिंह, सूर्य सिंह और श्री सिंह था। श्री सिंह जहां दानी था वही तीन भाई जुआरी और शराबी थे। उनका सारा दिन जुए और शराब में ही डूबा रहता था। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, आ जाओ आप लोग, अच्छे समय में आए हैं आप लोग। अभी मंगल आरती ही शुरू होने वाली है। बैठो बैठो यहाँ पर। हम मंगल आरती करने यहाँ नहीं आए हैं। आप 10,000 स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं। ये क्या, इतनी मुद्राएं मैं अब कहाँ से लाऊं? क्या मतलब? उस दिन वार्षिक उत्सव में बहुत सारी मुद्रा तुम्हारे पास जमा हो गई है, सारा धन यहाँ ले आओ। छी 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 छी, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ये दान का पैसा है, ये हम आप लोगों को नहीं दे सकते। क्या बोले, नहीं दोगे? ना ना ना, किसी कीमत पर नहीं दूंगा। मरने के बाद भी? तो ठीक है, भगवान के गहने ही हमें उतार कर दीजिए। ये क्या, हम अभी महाराज को ये बात बताने जा रहे हैं, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। सूर्य, भगवान की मूर्ति से सारे गहने उतार कर यहाँ लाओ। ना ना ना, ना ऐसा मत करो, ये पाप है। भगवान बचाए, भगवान बचाए। ना ना ना, ना आ, नहीं। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, चलो यहां से। रक्षा करो, रक्षा करो, कोई रक्षा करो मेरी। उठिए उठिए ब्राह्मण देवता, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? ये कैसी दशा हो रखी है आपकी? भगवान के शरीर से सारे गहने प्रताप ले गया, मेरे मना करने के बावजूद नहीं सुना, जबरदस्ती सारे गहने लेकर गए। रुकिए रुकिए, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, दया करके आप कुछ कीजिए। आप परेशान ना होइए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, आप निश्चिंत होकर जाओ। हाँ? क्या बोल रहे हो महामंत्री, कब मनुष्य बनेंगे वो सब? मेरी भी उम्र हो रही है, मैं सोचता था प्रताप के ऊपर राज्य सौंप कर हम निश्चिंत हो जाएंगे, समझ नहीं आ रहा। ना महाराज, प्रताप जैसा जुआड़ी शराबी के ऊपर राज्य भार सौंपना मतलब अपना और राज्य का नाश करने जैसा है। तो फिर आप ही बोलो महामंत्री, हमें क्या करना चाहिए? महाराज,
ये राजकाज का भार आप छोटे युवराज श्री सिंह को दीजिए, वही उपयुक्त है। श्री सिंह को वो कहा है महामंत्री, सुनने में आया है राज्य के पश्चिम क्षेत्र में अभावग्रस्त लोगों के दुख दूर करने गए। तो ठीक है, अभी उनको बुलाने के लिए दूध भेजिए। अच्छा, अभी युवराज प्रताप को सब बात बताना होगा। क्या तुम ठीक से तो सुने हो? हाँ युवराज, हमने ठीक सुना है। अच्छा ये बताओ, श्री सिंह कहाँ है, कुछ सुना उसके बारे में? राज्य के पश्चिम में युवराज। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा, ऐसे भी भैया आप सबसे बड़े हैं, पहले राज्य पर आपका अधिकार है। श्री सिंह गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, आज ही उसको रास्ते से हटा देना होगा। किंतु कैसे? ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक, अब हमारा ये काम तुम संभालोगे। प्रणाम महात्मा, आप हमें बुलाए हैं? हाँ महाराज, आओ बैठो। बोलो ऋषिवर। सुनो, काल और नक्षत्र की गणना के अनुसार तुम पर संकट की आशंका है, इसलिए हम। ऋषिवर, ऋषिवर। क्या बात है चिकू? कोई बड़ी विपत्ति की आशंका है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रम में कुछ लोग आए हैं घोड़ा चढ़कर, उनके हाथ में भयंकर अस्त्र हैं। वो श्री सिंह की खोज में है, वो आपको मारने आए हैं। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता? उनमें से एक प्रताप और जय का नाम सुने। अच्छा, वो तो हमारे भाई हैं, वो मुझे लेने आए होंगे। चलो चलो, हम भी देखते हैं। रुको श्री सिंह, वो तुम्हें लेने नहीं, तुम्हें मारने के लिए आदमी भेजे। मेरी गणना कभी गलत नहीं हो सकती, संकट की घड़ी अब आ चुकी है श्री सिंह। ये सब और देर ना करते हुए जंगल की तरफ बढ़ते रहो। 3 दिन चलने के बाद कोशी राज्य पहुंच जाओगे। उस जंगल में मैं कहां कहां भटकूंगा? संकट तुम्हारे राज्य पर है पुत्र, मेरी बात सुनो, जो बोला है वो करो। अगर तुम अपना राज्य और खुद को बचाना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ जाओ, तुम मेरा आशीर्वाद है। ठीक है ऋषिवर, प्रणाम, जा रहा हूँ। रुको श्री सिंह, ये लो माला, इस माला को अपने गले में पहन लो। जो आज्ञा ऋषिवर, किंतु क्या होगा इस माला से? राह में समस्त विपत्तियों से ये माला तुम्हारी रक्षा करेगी। हाँ? और ये लो, ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल राक्षसी है, रास्ते में आए हुए भूत को भी ये भगा देगा, इसे भी अपने साथ रखो। इस त्रिशूल से परास्त होंगे और अवलोकित होकर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें रास्ता चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कठिन समय आ गया है, तुम्हारी सालों की तपस्या अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि तुम संस्कारी हो। आपकी आज्ञा हो तो हम श्री सिंह के साथ जा सकते हैं? जी जरूर, जा सकते हो तुम। हम लोग भी जाएंगे ऋषिवर, हमें भी अनुमति दीजिए। किंतु सब इस प्रकार जाएंगे तो? ना मत करना ऋषिवर, हम चारों दोस्त एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं, आज इस संकट में उसे अकेला कैसे छोड़ें? ठीक है, तुम लोग भी जाओ, किंतु सुनो, जंगल के रास्ते निस्वार्थ भाव से जाओ, तुम लोग कोई लोभ नहीं कर सकते और रास्ते में किसी का इंतजार नहीं कर सकते, केवल आगे बढ़ता रहना होगा। आज्ञा दे ऋषिवर। प्रस्थान तुम्हारा मंगल होगा। श्री सिंह जंगल के रास्ते, चिकू, जमंत, चाणक्य, इन सब को लेकर आगे बढ़ रहा था। उन्होंने कुछ देर चलने के बाद उनके सामने अचानक। सुन रहे हैं? अजी सुन रहे हैं? ये कौन है? यहाँ देखिए, इस तरफ
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें लगता है चलते चलते आप थक गए हैं। पास में ही मेरा घर है, कुछ खा लीजिए, थोड़ा आराम करिए, फिर आप चले जाना। क्षमा करें, हम लोगों को भूख नहीं है। चलो चलो तुम आगे चलो। हमको तो भूख लगी है दोस्त, जाता हूँ मैं, कुछ खा कर आ जाता हूँ। किंतु ठीक है जाओ, किंतु देर मत करना, जल्दी आ जाना। आइए श्रीमान, ये यही मेरा घर है, अंदर आइए। जल्दी मुझे कुछ खाने को दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। हमको भी बहुत जोर की भूख लगी है। ये क्या कर रही है आप? हमको भी भूख लगी है। ना, 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 मुझे मत मारो। क्या हुआ, इतनी देर हो गई, चीकू क्यों नहीं आया अभी तक? हो सकता है खा पी कर आराम कर रहा हो। बच्चों, आप लोग कहाँ जा रहे हो? देखकर तो तुम लोग परेशान लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो? सामने ही मेरी झोपड़ी है, थोड़ा विश्राम कर लो। चलो। हम लोगों को विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहां आराम होगा, और वही इंतजार करते हैं चिकू का। तुम लोग जाओ, मैं तो उस बुढ़ी के साथ जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें मेरी, मैं उसे लेकर ही आऊंगा। ठीक है, तब चलो चाणक्य, हम लोग वहां बैठते हैं। हाँ यही ठीक है, हम लोग यही बैठते हैं, अभी बहुत रास्ता चलना है, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। क्या हुआ बूढ़ी काकी, कहाँ है तुम्हारा घर? हमको तो लौटना भी होगा, इतना दूर आ गए। तुम तो अब लौट भी नहीं पाओगे बच्चे, मैं बड़ा दैत्य हूँ, आओ मेरे पास आओ। चिकू और जामंत, कोई भी तो लौट कर नहीं आया। चलो एक बार खोज करके आते हैं, उन लोगों को देखकर आते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, चलो चलते रहो। अच्छा, ऋषिवर बोले थे तुम्हारी माला से प्रकाश आएगा। हाँ याद आया, वो बोले तो थे। नहीं, चलो तेजी से चलो, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ, हमें याद है, ऋषिवर बोले थे तीसरे दिन कोशी राज्य जरूर आ जाएगा। देखते हो वो जो आदमी दिख रहा है, चलो उससे पूछते हैं। ए भैया, ए भैया। हाँ बोलिए। ये कोशी राज्य ही है ना? हाँ ये कोशीपुर ही है, आप लोग कौन हैं? हम बहुत दूर से आए हैं, हम कोशीपुर के महाराज से जल्द मिलना चाहते हैं। क्यों, क्या काम है तुम्हारा उनके पास? कुछ भी नहीं, ऋषिवर के कहने पर हम इस गांव में आए हैं, सोचे जब आए हैं तो एक बार महाराज जी से मिलना चाहिए, इतनी सी बात है। अरे बाबा, क्या हुआ? क्या बताऊं अभी आपको, आज 3 महीने से राज दरबार का दरवाजा बंद है, दरबार में कोई प्रवेश भी नहीं कर पाया, ना अंदर से कोई बाहर, ना बाहर से कोई अंदर आया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है दरबार में, महाराज बचे भी है कि नहीं, बोला नहीं जा सकता। आश्चर्य घटना है, तो चले चाणक्य, हम लोग अंदर जाकर देखते हैं। मतलब आप लोग दूसरे रास्ते से महल में प्रवेश करोगे? हाँ, हमें पता करना होगा कि अंदर क्या हुआ है, लगता है ऋषिवर ने दिया हुआ त्रिशूल अब काम आएगा। चलो चिकू। आ, आ, आ,
कोई दिख क्यों नहीं रहा? सिंहासन पर कोई नहीं? महाराज कहाँ गए? सब हमारे पेट में है। अब तुम लोगों की बारी है। तुम्हारी यह हिम्मत? एक कदम भी आगे बढ़ो तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। क्या बक रहे हो? आश्चर्य है। जय महाराज सिंह की जय। जय महाराज सिंह की जय। अब बोलो तो महाराज, नगरवासी श्री सिंह को अपना राजा क्यों मान लिए? बोलो महाराज, नगरवासी ये सटीक सिद्धांत क्यों लिए? वेताल, श्री सिंह बिना स्वार्थ का लोगों को बचाने का सिद्धांत लेकर उसने राज्य की रक्षा की। ऐसे परोपकारी राजा के अधीन में ही प्रजा सुख शांति में रह सकती है, इसीलिए उसे राजा मान लिया होगा। ये सोचकर कोशीपुर की प्रजा ये सिद्धांत ली होगी। यही सिद्धांत नगरवासियों के लिए भी सही है। ओ महाराज, आपने सटीक उत्तर दिया है महाराज, इसलिए अब मैं चलता हूँ महाराज। मैं जा रहा हूँ महाराज। मैं जा रहा हूँ। <laughs>